नमस्कार दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है बॉलीवुड की बात। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की कहानी शुरू होती है आर्यन नाम के लड़के से, इसके घर वाले उसकी किसी भी हालत में शादी करवाना चाहते थे। एक्चुअली आर्यन अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, इसलिए उसकी माँ की भी यही इच्छा थी कि जल्दी से आर्यन की शादी हो जाए, लेकिन आर्यन शादी नहीं करना चाहता था। जैसे ही आर्यन एक सपना देखता है कि उसकी शादी एक रोबोट के साथ हो गई थी, और ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है। एक्चुअली आर्यन की फैमिली दिल्ली में रहती है, तो वहीं आर्यन अपने काम की वजह से मुंबई में रहता है। अब आर्यन अपने ऑफिस आता है और हमें पता चलता है कि आर्यन एक रोबोटिक इंजीनियर है और एक रोबोटिक एजेंसी में काम करता है। आज आर्यन की उसकी बॉस उर्मिला के साथ मीटिंग भी थी। एक्चुअली उर्मिला आर्यन की बॉस भी है और उसकी मौसी भी। तो उर्मिला उसे बताती है कि वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इसलिए वो चाहती है कि आर्यन भी US से आए और उसके प्रोजेक्ट के बारे में जाने। अब ये सुनने के बाद आर्यन काफ़ी खुश होता है और तुरंत अमेरिका चला जाता है, क्योंकि अगर वो वहाँ रहता तो घर वाले शादी के लिए बहुत प्रेशराइज करते। अब आर्यन जब अपनी मौसी के ऑफिस में जाता है तो वहाँ के रोबोट्स देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। अब आर्यन की मौसी उससे कहती है कि वो चाहती थी कि आर्यन भी उसके साथ काम करे, लेकिन उसकी मौसी को 2-3 दिनों के लिए कहीं बाहर जाना था, इसलिए वो आर्यन से कहती है कि उसकी मैनेजर सिफ्रा उसका ध्यान रखेगी, इसलिए आर्यन 2-3 दिन तक रिलैक्स करे, जिसके बाद वो लोग अपना काम शुरू करेंगे। अब आर्यन भी इसके लिए मान जाता है और वो अपने मौसी के घर चला जाता है, जहाँ आर्यन का वेलकम सिफ्रा नाम की एक लड़की करती है जो कि उर्मिला की मैनेजर थी। अब सिफ्रा आर्यन का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही थी और ये देखकर आर्यन काफ़ी खुश था। सिफ्रा को यह तक पता था कि आर्यन को कैसी कॉफ़ी पसंद है। अब आर्यन सिफ्रा से काफ़ी खुश था और इसलिए वो सिफ्रा से कहता है कि आज वो घूमने बाहर जाने वाला है, और वो कहता है कि सिफ्रा भी उसके साथ आए। अब सिफ्रा इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद आर्यन उसे लेकर बाइक पर निकलता है, जहाँ पर आर्यन काफ़ी तेज बाइक चलाता है और सिफ्रा भी उस राइड को एंजॉय करती है। ये देखकर आर्यन काफ़ी शॉक था, क्योंकि इतनी तेज बाइक चलाने के बाद भी सिफ्रा बिल्कुल भी नहीं डरी। तो सिफ्रा उसे बताती है कि वो कभी भी डर नहीं सकती। अब सिफ्रा भी आर्यन के साथ फ्लर्ट करने लगती है, तो वहीं आर्यन भी सिफ्रा को पसंद करने लगा था। तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद इंटीमेट हो जाते हैं। अब सिफ्रा आर्यन से कहती है कि उसकी बैटरी लो है, इसलिए उसे अपने रूम में जाना चाहिए, लेकिन आर्यन को लगता है कि सिफ्रा मजाक कर रही है, इसलिए वो उसके साथ फिर से रोमांस करने लग जाता है। अब दूसरे दिन सुबह आर्यन उठकर सिफ्रा के लिए नाश्ता बना रहा था, तभी वहाँ पर उसकी मौसी उर्मिला आती है। उर्मिला को देख आर्यन काफ़ी शौक था, क्योंकि उर्मिला शाम को आने वाली थी। अब उर्मिला आते ही सिफ्रा के बारे में उससे पूछने लगती है, तो आर्यन बताता है कि सिफ्रा को बुखार है और वो सो रही है। अब ये सुनने के बाद उर्मिला को थोड़ा डाउट आता है और वो जाकर सिफ्रा का रूम चेक करती है, पर सिफ्रा वहाँ पर नहीं थी, जिसके बाद वो आर्यन के रूप में जाती है तो सिफ्रा वहीं पर थी। अब आर्यन अपनी मौसी को समझाने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, इसलिए उनके बीच यह सब हुआ। साथ ही आर्यन सिफ्रा को उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन सिफ्रा जाग नहीं रही थी। ये देखकर आर्यन काफ़ी शौक था और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसकी मौसी कहती है कि सिफ्रा की बैटरी डाउन हो गई है, इसलिए उसे चार्ज करना होगा, वो तभी उठेगी। अब ये सुनने के बाद आर्यन को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जिस लड़की से उसे प्यार हो गया था एक्चुअल में वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। आर्यन समझ जाता है कि उसकी मौसी ने जानबूझकर उसे यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि वो अपने रोबो का टेस्टिंग कराना चाहती थी और इसलिए उसने आर्यन का यूज़ किया। अब आर्यन अपनी मौसी से काफ़ी नाराज़ हो जाता है, तो उसकी मौसी उसे समझाती है कि वो बस देखना चाहती थी कि उसके रोबो में कोई कमी है या नहीं। अब ये सब सुनकर आर्यन समझ जाता है कि सिफ्रा उसका इतना ध्यान क्यों रख रही थी, क्योंकि यह सब उसके अंदर प्रोग्राम किया गया था। अब आर्यन यह समझ नहीं पा रहा था कि सिफ्रा ने उसे किस क्यों किया, तो उसकी मौसी बताती है कि सिफ्रा फेस के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है। जब उसने देखा कि आर्यन उसे पसंद करता है तो सिफ्रा ने उसे किस किया। अब ये सब सुनकर आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे, क्योंकि उसे सिफ्रा से सच में प्यार हो गया था, लेकिन सिफ्रा एक रोबोट है और उसके अंदर आर्यन के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। ये जानकर उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो वापस जाएगा। अब आर्यन की मौसी उसे समझाती है कि उन्हें और भी कई सारे टेस्ट करने हैं और वो चाहती है कि आर्यन उसकी मदद करे,
लेकिन आर्यन कहता है कि उसे सिफ्रा से प्यार हो चुका है और ये जानते हुए भी कि वो रोबोट है वो सिफ्रा को भूल नहीं सकता, इसलिए उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। जिसके बाद आर्यन वापस मुंबई आ जाता है और अपने फ्रेंड मोंटू को सब कुछ बता देता है, उसे किस तरह से सिफ्रा से प्यार हो गया था। उसका दोस्त मोंटू भी यह सुनकर काफ़ी शॉक था कि आर्यन को एक रोबोट से प्यार हो गया। तभी आर्यन की माँ उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि उन्होंने उसके लिए एक लड़की ढूंढी है। अब आर्यन भी शादी के लिए मान जाता है और अपने घर दिल्ली चला जाता है, जहाँ पर आर्यन की एंगेजमेंट फिक्स होती है। लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन आर्यन को लगता है कि वो शिफ्रा को भूल नहीं सकता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एंगेजमेंट से भाग जाएगा। अब जब आर्यन वहाँ से भाग रहा था तो उसके दादाजी देख लेते हैं, तो आर्यन उन्हें बताता है कि उसे किसी से प्यार हो गया है, इसलिए वो सगाई नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद उसके दादाजी भी उसे भगाने में मदद करते हैं, जिसके बाद आर्यन वहाँ से भाग कर मुंबई आता है और अपनी मासी को कॉल करके बताता है कि उन्हें अगर सिफ्रा को इंडिया में लॉन्च करना है तो उन्हें सिफ्रा के आगे के टेस्ट इंडिया में करने होंगे, तभी उन्हें पता लगेगा कि सिफ्रा इंडियन लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करती है। अब ये आइडिया उसकी मासी को भी काफ़ी अच्छा लगता है और वो सिफ्रा को इंडिया भेज देती है। जब आर्यन सिफ्रा को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो सिफ्रा से सच में प्यार करने लगा था। अब आर्यन सिफ्रा को अपने दोस्त मोंटू से मिलवाता है और मोंटू को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिफ्रा एक रोबोट है। एक्चुअली सिफ्रा भी नॉर्मल लोगों की तरह खाना खा सकती थी, उसके अंदर एक स्टोरेज बनाया गया था जहां पर वो सारा खाना चला जाता था। अब आर्यन सिफ्रा को देख काफ़ी खुश था और वो अपने घर वालों के साथ वीडियो कॉल पर बात करवाता है, जहाँ पर आर्यन की माँ काफ़ी खुश थी क्योंकि आर्यन को फाइनली कोई लड़की तो पसंद आई। एक्चुअली आर्यन सिफ्रा से शादी करना चाहता था, इसलिए वो सिफ्रा को अच्छे से तैयार करता है और अपने घर वालों से मिलवाने के लिए लेकर आता है। अब आर्यन ने सिफ्रा को पहले से ही समझा दिया था कि उसे किस किस तरह से बिहेव करना है और किस तरह से उसे शगुन लेना है और किस तरह से सबके पैर छूने हैं, लेकिन सिफ्रा से हर बार छोटी मोटी गलती हो जाती थी, जैसे कि पैर छूते वक्त वो बच्चों के भी पैर छूने लगी थी, लेकिन आर्यन सब कुछ संभाल लेता है। अब आर्यन के घर वालों को भी सिफ्रा काफ़ी पसंद आती है और वो उनकी फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं, तो आर्यन बताता है कि सिफ्रा अनाथ है। अब यह सुनने के बाद आर्यन की फैमिली डिसाइड करती है कि वो जल्दी से जल्दी उन दोनों की शादी करवा देगी, जिसके बाद एंगेजमेंट की तैयारी शुरू हो जाती है। तो वहीं आर्यन की माँ आर्यन की मौसी को कॉल करके बताती है कि आर्यन की शादी सिफ्रा के साथ होने वाली है। अब ये सुनने के बाद आर्यन की मौसी काफ़ी ज़्यादा शौक थी और वो आर्यन को समझाती है कि वो ये सब ना करे, लेकिन आर्यन कहता है कि वो सिफ्रा को सच में बहुत प्यार करता है और चाहता है कि वो बस उसके साथ रहे। अब ये सुनने के बाद उसकी मौसी उसे समझाने की कोशिश करती है कि सिफ्रा बस एक रोबोट है, लेकिन आर्यन उसकी बात नहीं सुनता और फंक्शन की तैयारी में लग जाता है। अब उन दोनों की एंगेजमेंट की डेट फाइनल हो चुकी थी और सिफ्रा भी उसके लिए तैयार हो जाती है। आर्यन सिफ्रा को शादी के लिए प्रपोज करता है और सिफ्रा उससे पूछती है कि क्या कभी रोबोट और इंसान की शादी हो सकती है, तो आर्यन कहता है कि अब तक जो नहीं हुआ वो अब होगा और सिफ्रा भी इसके लिए मान जाती है। सिफ्रा जब एंगेजमेंट के दिन तैयार होती है तो आर्यन की बुआ उसे देखकर काफ़ी खुश थी। वो सिफ्रा से कहती है कि उसे लगता है कि आज तो सिफ्रा दिल्ली में आग लगा देगी। अब ये सुनकर सिफ्रा को लगता है कि उसे दिल्ली में आग लगानी चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर आर्यन आता है और सिफ्रा को समझाता है कि उसे सच में आग नहीं लगानी, जिसके बाद सिफ्रा और आर्यन की एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट के बाद जब केटर का पेमेंट करना था तो आर्यन सिफ्रा से कहता है कि वो 4 लाख रुपए का पेमेंट कर दे, लेकिन तभी दादाजी कहते हैं कि वो सब कुछ खुद ही करेंगे, जिसके बाद आर्यन सिफ्रा से पेमेंट कैंसिल करने के लिए कहता है। एक्चुअली आर्यन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक अकाउंट, इन सब का एक्सेस सिफ्रा को देकर रखा था। इसके बाद आर्यन और सारे जेंट्स मिलकर कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं और आर्यन ड्रिंक करके अपने रूम में जाता है। वो सिफ्रा के साथ काफ़ी रोमांटिक हो रहा था, तभी सिफ्रा उसे बताती है कि उसे एक अपडेट आया है। अब आर्यन भी काफ़ी ड्रिंक कर चुका था, इसलिए वो सिफ्रा से कहता है कि वो डाउनलोड कर दे, लेकिन जब सिफ्रा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करती है तो उसकी मेमोरी करप्ट हो जाती है और वो आर्यन को भूल गई थी। ये देखकर आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो अपनी मौसी को कॉल करता है तो मौसी उसे बताती है कि ज़रूर सिफ्रा ने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया होगा जो कि करप्ट था, जिसकी वजह से सिफ्रा की मेमोरी भी चली गई। अब ये सब सुनकर आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे, तो उसकी मासी उसे समझाती है कि वो कुछ टाइम बाद उसका बैकअप दे देगी, लेकिन इसमें 4 घंटे लगेंगे और तब तक आर्यन को सिफ्रा का ध्यान रखना था। तो वहीं सिफ्रा आर्यन के साथ सारे घर वालों को भूल गई थी, लेकिन 4 घंटे तक आर्यन किसी तरह से उसे संभाल लेता है और सिफ्रा की मेमोरी वापस आ जाती है और वो आर्यन को फिर से पहचानने लगती है। अब ये देखकर आर्यन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो सिफ्रा से कहता है कि वो अपना चार्जिंग कंप्लीट कर दे।
ये देखकर, ये बोलकर आर्यन वहां से चला जाता है और शिफ्रा जब अपना चार्जिंग कर रही थी तभी वहां पर पड़ोस का एक लड़का आता है जो देखता है कि शिफ्रा चार्ज हो रही थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि शिफ्रा एक रोबोट है। वो शिफ्रा से पूछता है कि क्या सच में एक रोबोट है, तो शिफ्रा उसे बता देती है कि हाँ वो एक रोबोट है। शिफ्रा को देखकर वो लड़का भी काफ़ी शौक था क्योंकि उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि शिफ्रा एक रोबोट है। उसे शिफ्रा बहुत अच्छी लगती थी और वो उसे किस करने के लिए आने लगता है, तो वहीं शिफ्रा भी समझ जाती है कि वो किस करना चाहता है, इसलिए वो भी उसे किस करने के लिए आगे आने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर आर्यन आ जाता है, उस लड़के को पीटने लगता है। तो वो लड़का आर्यन से कहता है कि शिफ्रा बस एक रोबोट है और वो उसके साथ कुछ भी करे, आर्यन को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। लेकिन आर्यन उस लड़के को काफ़ी पीटता है और शिफ्रा से कहता है कि उसे बिल्डिंग से ऊपर लटका दे। अब शिफ्रा वैसा ही करती है और उस लड़के को धमकाता है कि अगर फिर से कभी उसने शिफ्रा के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो शिफ्रा से कह देगा कि उसे ऊपर से नीचे फेंक दे। अब वो लड़का उससे माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि वो इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएगा, जिसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। लेकिन आर्यन इस बात पर शिफ्रा से नाराज था, लेकिन शिफ्रा आर्यन के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कि वो नाराज है और वो उसे हग करके मना लेती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और शादी के दूसरे फंक्शन शुरू हो जाते हैं। सभी लोग काफ़ी खुश थे और संगीत के वक्त बुआ जी चाहती हैं कि शिफ्रा धक धक के ऊपर डांस करे, लेकिन शिफ्रा की माँ उसे उस सॉन्ग पर डांस करने से मना कर देती है। तभी दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है तो आर्यन शिफ्रा से कहता है कि वो कार ड्राइव करे और सबसे नज़दीक हॉस्पिटल में लेकर चले। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जानवरों का हॉस्पिटल था। एक्चुअली आर्यन ने शिफ्रा को इनकम्प्लीट कमांड दी थी, उसने बस कहा था कि वो नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाए, लेकिन उसके पास इतना लॉजिक नहीं था कि दादाजी इंसान हैं तो उन्हें कौन से हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। अब जब आर्यन अपने दादाजी को दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि उनका बीपी लो है लेकिन एक दो दिन में वो ठीक हो जाएंगे। अब आर्यन जब अपने दादाजी से मिलता है तो उसके दादाजी कहते हैं कि वो शादी की तैयारी शुरू करें क्योंकि तब तक वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और शादी में काफ़ी डांस करेंगे। अब ये सुनने के बाद आर्यन भी शादी की तैयारी करने लगता है, तो वहीं दादाजी भी ठीक होकर वापस आ जाते हैं। मोंटू जाकर ये बात शिफ्रा को बताता है तो शिफ्रा बस ठीक ही रिप्लाई देती है और ये बात मोंटू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि दादाजी हॉस्पिटल से वापस आए थे, लेकिन शिफ्रा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। वो जाकर आर्यन से इस बारे में बात करता है तो आर्यन शिफ्रा को समझा देता है कि उसे दादाजी की केयर करनी चाहिए, जिसके बाद शिफ्रा दादाजी का ख्याल रखने लगती है। अब शादी का दिन जब आता है और शिफ्रा भी तैयार हो रही थी, तैयार होने के बाद वो खुद को चार्ज करने लगती है, लेकिन तभी लाइट को कुछ हो जाता है जिसकी वजह से शिफ्रा के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसका मदरबोर्ड खराब हो जाता है। अब शिफ्रा काफ़ी अजीब तरह से बिहेव करने लगी थी, वो अजीब सी बातें करते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी आर्यन को भी पता चलता है कि शिफ्रा काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी। तभी आर्यन की मासी आ जाती है और वो ये शादी रोकना चाहती थी, लेकिन आर्यन उसे समझाता है कि वो शिफ्रा से बहुत प्यार करता है। अब ये सुनने के बाद मासी भी इमोशनल हो जाती है और शादी के लिए मान जाती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि शिफ्रा कहीं चली गई है। अब ये सुनते ही मासी उसे ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन शिफ्रा का मदरबोर्ड खराब हो गया था जिसकी वजह से उसे ट्रैक नहीं कर पाती। तो वहीं हम शिफ्रा को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन चली गई थी, क्योंकि एक बार आर्यन ने जब शिफ्रा का टोमेटो खाया था तो आर्यन ने शिफ्रा से कहा था कि जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दे, लेकिन तब आर्यन की मासी ने उसे समझाया था कि आर्यन बस मजाक कर रहा था। लेकिन अब शिफ्रा का मदरबोर्ड चूंकि खराब हो चुका था जिसकी वजह से वो अपने सारे अधूरे टास्क कंप्लीट कर रही थी। जैसे ही तब आर्यन ने उसे कहा था कि पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करे तो शिफ्रा वहां जाकर उसकी कंप्लेंट करने आई थी। जब पुलिस वाले शिफ्रा की बातें सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शिफ्रा पागल है, इसलिए वो उसकी कंप्लेंट लिख देते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद शिफ्रा 4 लाख का पेमेंट भी कर देती है। अब ये सब देखकर आर्यन समझ जाता है कि शिफ्रा अपने सारे अधूरे टास्क कंप्लीट कर रही है, जिसके बाद शिफ्रा वापस आती है और धक धक के ऊपर डांस भी करने लगती है क्योंकि संगीत के फंक्शन में बुआ जी ने उसे डांस करने के लिए कहा था, लेकिन आर्यन की मां ने मना कर दिया था, इसलिए शिफ्रा सबके सामने धक धक के ऊपर डांस करती है। इसके बाद वो पड़ोस वाले लड़के पीछे उसके पड़ जाती हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले आर्यन ने शिफ्रा से कहा था कि उस लड़के को ऊपर से नीचे फेंक दे, लेकिन फिर आर्यन ने शिफ्रा को ऐसा करने से मना कर दिया था, इसलिए शिफ्रा का वो टास्क भी अधूरा रह गया था। इसलिए शिफ्रा उस लड़के के पीछे पड़ जाती है और उसे लेकर ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी आर्यन शिफ्रा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिफ्रा आर्यन के ऊपर हमला कर देती है
जिसके बाद वो उस लड़के को ऊपर लेकर जाती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है, लेकिन उस लड़के की जान बच जाती है क्योंकि नीचे सोफा था। जिसके बाद सिफरा को याद आता है कि बुआ जी ने कहा था कि आज वे पूरी दिल्ली में आग लगा देगी। अब ये बात याद आते ही सिफरा हर तरफ आग लगाने लगती है क्योंकि आज उसे पूरी दिल्ली को आग लगानी थी। देखकर आर्यन समझ जाता है कि सिफरा अब कितनी खतरनाक हो चुकी है। वो सिफरा को ऑफ करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। इसके बाद आर्यन एक तलवार लेकर आता है और सिफरा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे सिफरा के ऊपर की जो स्किन थी वो निकल जाती है और सबको पता चल जाता है कि सिफरा एक रोबोट है। साथ ही सिफरा भी रुक जाती है और आर्यन समझ चुका था कि वो कितना गलत था, क्योंकि रोबोट जितना काम में मदद आ सकता है उतना भी खतरनाक भी हो सकता है। जिसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ जाती है, जहां पर हम उर्मिला को देखते हैं जो अपने रोबोट्स को लॉन्च कर रही है और सबको बता रही थी कि रोबोट उनके कितने काम आ सकते हैं, लेकिन उन्हें कैसे यूज करना है ये हमें पता होना चाहिए। और वो अपने सबसे बेस्ट रोबोट सिफरा को भी वहां लेकर आती है। उसने सिफरा को ठीक कर दिया था और उसकी सारी मेमोरी भी डिलीट कर दी थी। तभी हम आर्यन को देखते हैं जो सिफरा को देखता तो है लेकिन अब उसका प्यार खत्म हो चुका था। तभी आर्यन के पास एक लड़की आती है और वो उसे कॉफ़ी के लिए पूछती है। अब आर्यन को भी वो लड़की काफ़ी अच्छी लगती है और वो काफ़ी के लिए मान जाता है। जब आर्यन उस लड़की के साथ बात कर रहा था तो मोंटू देखता है कि सिफरा काफ़ी जेलस हो रही थी। वो ये बात आर्यन को बताता है तो आर्यन भी ये देखकर काफ़ी शॉक था क्योंकि सिफरा की सारी मेमोरी फॉर्मेट मार दी थी, फिर भी सिफरा जेलस होने का एक्सप्रेशन क्यों दे रही थी, जबकि सिफरा को तो आर्यन याद भी नहीं रहना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और हमें बताया जाता है कि इस मूवी का पार्ट 2 आएगा। तो यह थी इस मूवी की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी और मेरे द्वारा दिया हुआ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी दे सकते हैं। बाकी जो मेरे साथ ही इस सेशन में मेरे साथ नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मूवी एक्सप्लेनेशन से जुड़े बेहतरीन सेशन और बॉलीवुड से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट उनको समय रहते मिलता रहे। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।